नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमें अपने धान की फसल में पहला यूरिया कब डालना है, कितनी मात्रा में डालना है और पहली यूरिया के साथ हम क्या मिलाकर डालें जिससे हमारी फसल स्वस्थ रहे, हमें कल्ले ज़्यादा मिल पाएं और फसल की ओवरऑल ग्रोथ भी अच्छी हो। अब यहाँ पर कई सारे किसान गलती करते हैं, उन्हें पहली यूरिया डालने का सही समय नहीं पता होता है, कितनी मात्रा में डालना है ये नहीं पता होता है। अब दुकानदार ने जो भी थमा दिया वो अपने खेतों में डाल देते हैं जिससे आपकी खेती में लागत भी बढ़ती है और आपको मन मुताबिक कल्ले भी नहीं मिलते और ना ही फसल की अच्छे से ग्रोथ हो पाती है। मान के चलिए आप जो पैदावार लेना चाह रहे थे वो आपकी शुरुआती समय में ही कम हो गई केवल आपकी कुछ गलतियों की वजह से। अब यहाँ पर हम अपनी फसल को 90 से 100 दिन की मानकर यूरिया का समय और मात्रा को चयन करेंगे, क्योंकि आप 90 दिन में पकने वाली कोई भी धान की वैरायटी लगाते हो तो हमें शुरुआती समय में जो भी काम करना है बहुत तेजी से करना होता है। सही समय पर हमें फॉस्फोरस और सही समय पर हमें नाइट्रोजन यानी यूरिया डालना ही डालना होता है, क्योंकि अगर हम सही समय पर यूरिया और फास्फोरस नहीं डालेंगे तो हम अच्छी पैदावार नहीं ले पाएंगे, क्योंकि फसल की ओवरऑल ग्रोथ के लिए हमें सही समय पर फास्फोरस और यूरिया डालना होता है और इन्हें हम सही समय पर नहीं डालेंगे तो हम धान की अच्छी फसल बना ही नहीं पाएंगे। अब बात करते हैं धान में हमें पहला यूरिया डालना कब है। तो अगर आपकी धान की फसल 90 दिन की है तो आपको पहला यूरिया 10 से 12 दिन पर डालना है, क्योंकि ये सबसे राइट टाइम होता है जड़ों के विकास का और इसी समय हमारे कहीं ना कहीं कल्ले फूटने की शुरुआत होती है तो इसी समय हमें नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। अब कई सारे किसान 20 से 22 दिन पर पहली यूरिया डालते हैं, तो वो लॉजिक भी ठीक है। आपकी धान की वैरायटी 130 से 140 दिन की है तो उस कंडीशन में आप 20 से 22 दिन पर पहली यूरिया डाल सकते हो। यहाँ पर आप 10 से 12 दिन पर पहली यूरिया डालेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं इसी समय हमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर जड़ों का विकास भी हो रहा होता है और कहीं ना कहीं आपके कल्ले भी फूट रहे होते हैं। धान की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। अब पहली यूरिया के साथ ऐसा क्या मिलाकर डालें जिससे हमारे धान में अच्छे से फुटाव हो। अब कई सारे किसान यहाँ पर बहुत बड़ी गलती करते हैं, मैं भी इसे गलती ही कहूँगा। कई किसान दुकानदारों के बहकावे में आकर ग्रोथ प्रमोटर या ह्यूमिक एसिड वगैरह डाल देते हैं। मेरे ख्याल से ये सब पैसा बर्बाद है। किसी भी वैरायटी में अगर कल्ले फूटने होते हैं तो वो वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, आपका धान की फसल में कल्ले फूटते समय खेत में पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा होनी चाहिए। पौधे को जिस समय जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उस चीज़ की एबिलिटी आपके खेत में होनी चाहिए। पूरी दुनिया में ऐसी कोई दवाई नहीं है जो कल्ले को बना सके। तो अगर आपकी धान की फसल में कल्ले फूटते समय पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा है तो कल्ले भरपूर मात्रा में फूटेंगे। बस आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है महंगे से महंगे ग्रोथ प्रमोटर बेचकर या फिर फुटाव की दवाई के नाम पर। आजकल देखने में आ रहा है किसान ह्यूमिक एसिड के ऊपर भी ज़्यादा पैसा फूटते हैं। आपकी जड़ों का विकास करना फास्फोरस का काम होता है और आपकी धान की फसल में जड़ों के विकास के समय फास्फोरस की भरपूर मात्रा होनी चाहिए। आप अपनी मिट्टी को भी चेक कराएं, मिट्टी का पीएच ज़्यादा है तो आप एसएसपी डालें, क्योंकि अगर आपकी मिट्टी का पीएच बहुत ज़्यादा है और अगर आप डीएपी डालते हो तो पौधे फास्फोरस को अच्छे से अपटेक नहीं कर पाएंगे और आप तरीके तरीके की दवाई डालेंगे और खेती में आप अपने खर्चे को ही बढ़ाएंगे। और हाँ, इस समय आप एक काम और भी कर सकते हो, आप अपनी धान की फसल की रुपाई के बाद पीएसबी यानी फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया को भी डाल सकते हो जिससे आपका पिछली फसलों में जो डीएपी वेस्ट पड़ा है वो तुरंत की फसलों में काम में लग जाएगा और इस तरीके से आप अपनी धान की फसल को ज़्यादा फास्फोरस उपलब्ध करा सकते हो। अब हमें धान की फसल में अच्छे से ग्रोथ के लिए और कल्लों के ज़्यादा फुटाव के लिए फास्फोरस और यूरिया के बाद सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है तो वो है तत्व जिंक। जिंक का आपकी धान की फसल में सबसे महत्वपूर्ण रोल रहता है। अब हम पहली यूरिया के साथ जिंक सल्फेट 5 से 7 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है मैग्नीशियम। आप अपनी यूरिया के साथ मैग्नीशियम को भी मिलाकर डाल सकते हो। इसे आप 5 से 6 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हो। मैग्नीशियम को आप अपनी फसल में ज़्यादा नहीं डालें। अगर आप अपनी धान की फसल में मैग्नीशियम को ज़्यादा डालते हो तो कहीं ना कहीं कैल्शियम की भी कमी हो जाती है, तो आपको अपनी धान की फसल में संतुलित मात्रा में मैग्नीशियम सल्फेट का यूज करना है। और यूरिया को आप 10 से 12 दिन की धान की फसल में 20 से 25 किलो ले सकते हो, जो कि इस समय सबसे सही मात्रा है। बाकी आपने अपनी धान की फसल में पोटाश नहीं डाला है तो आप पोटाश डाल सकते हो। एसएसपी का यूज किया है तो सल्फर डालने की हमें इस समय कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी आगे चलकर अगर आपकी फसल में लोह तत्व की कमी होती है तो आप फेरस डाल सकते हो। उसे भी आपको जब डालना है जब आपकी फसल में इसकी डेफिशिएंसी दिखे। इसके अलावा आपको अपनी धान की फसल में किसी भी ग्रोथ प्रमोटर या बाजार से कुछ भी खरीद कर डालने की जरूरत नहीं है। केवल आपको समय पर फास्फोरस, यूरिया और पोषक तत्वों को देना है जिससे आपकी फसल की ग्रोथ भी अच्छी होगी और कल्लों का फुटाव भी ज़्यादा होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय किसान।